आप देख रहे हैं SBN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रही इंडेवर हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की डायरेक्टर हिमांशी गहलोत को सम्मानित किया है। हिमांशी को ये सम्मान कैंसर पीड़ित को विग देने और लोगों को प्रेरित कर बालों का दान करवाने जैसे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रही इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की डायरेक्टर हिमांशी गहलोत को सम्मानित किया है। हिमांशी को यह सम्मान कैंसर पीड़ितों को विग देने, लोगों को प्रेरित कर बालों का दान करवाने जैसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान दिया गया है। हिमांशी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहू और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चेयरमैन वैभव गहलोत की पत्नी है। मदद करना हम सभी का दायित्व है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हिमांशी के कार्य की सराहना करते हुए दूसरों की जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना हर नागरिक का दायित्व है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाए, अपनी वजह से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आने से बड़ी खुशी हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती। खुशियां बांटने का प्रयास करें। आपको बता दें कि हिमांशी जो है वो अशोक गहलोत की जो है यहाँ पर बहू है, और यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा था कि भाजपा जो है वो कांग्रेस की टीम के अंदर जो है एक बड़ी सेंधमारी की कोशिश कर रही है, चाहे वो गहलोत की तरफ से हो चाहे वो पायलट की तरफ से हो। लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एक यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, वो कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो धराशायी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वो पायलट के लिए कोशिश हो रही थी। लेकिन पायलट की जगह अब गहलोत की तरफ जो है वो भाजपा का ये टीम क्या काम कर पाएगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये काम अच्छे तरीके से हो रहा है इस बात की सूचना जो है वो उनकी बहू को सम्मान देकर के भाजपा ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि अब अगला टारगेट जो है वो पायलट नहीं, अगला टारगेट यहाँ पर जो है यहाँ अशोक गहलोत होने वाले हैं, ताकि कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से हार का सामना करे। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत को लेकर के जो कोशिश यहाँ पर भाजपा करने वाली है क्या वो सफल होता है या नहीं। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBN9 न्यूज।